वेलकम बैक अगेन दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो चलिए, आज हम करने वाले हैं आपकी 11th क्लास इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल का जो चैप्टर वन है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसके एमसीक्यूज़। क्योंकि आपके जो टर्म वन के एग्ज़ाम हैं वो एमसीक्यूज़ बेस्ड ही होंगे, जो आप शायद ऑलरेडी जानते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो है उसका ऑथर राइटर कौन है? तो उसके ऑथर राइटर खुशवंत सिंह है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है उसका मेन कैरेक्टर कौन है? तो उसका मेन कैरेक्टर जो है ग्रैंड मदर, यानी खुशवंत सिंह की जो दादी माँ है वो उसका मेन कैरेक्टर है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड फादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक? कि ग्रैंड फादर जो हैं वो पोर्ट्रेट जो लटकी हुई है दीवार पर उसमें कैसे नज़र आते हैं? तो उसमें वो ओल्ड, बूढ़े, लॉन्ग वाइट ब्रेड, कि उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है और वॉर्न बिग टर्बन, और उन्होंने एक बड़ी पगड़ी बांधी हुई है। तो इसमें ऑप्शन ए है, ये आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए फोर्थ, कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक, कि ग्रैंड मदर कैसी दिखती हैं? तो वो क्या है, ओल्ड है, शॉर्ट है, हाइट उनकी कम है, स्लाइटली बेंड है, थोड़ी झुक कर चलती है, एंड फैट और मोटी है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका आएगा। अब नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, कि व्हेन डिड द ऑथर पेरेंट्स लीव हिम विद हिज ग्रैंड मदर? कि जो ऑथर के पेरेंट हैं वो उसको अपनी दादी माँ के पास गांव में कब छोड़ के गए? तो वो भाई जब एक किड था, एक बच्चा था, उस टाइम वो उसको छोड़ के गए। तो ऑप्शन ए आएगा इसमें। और सिक्स्थ में है कि दादी माँ जो हैं कौन से एनिमल जो था उनको फीड करती थी विलेज में जब वो गांव में थी? तो जब वो गांव में थी तो वो ऑप्शन ए यानी डॉग्स को फीड करती थी चपाती से डेली, कि डेली जो डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको चपातियाँ जो है वो दिया करती थी खाने में। अब नेक्स्ट देखिए कि व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट? कि ऑथर ब्रेकफास्ट में क्या खाता था? तो ऑथर जो ब्रेकफास्ट में वो थिक यानी मोटी, और स्टेल मीन्स बासी यानी जो रात को बनी हुई होती है, चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। कि ऑथर जो है वो जो रात की बनी हुई मोटी और बासी चपातियाँ हैं उनको बटर और उस पर चीनी डालकर जो है वो मॉर्निंग में एज ए ब्रेकफास्ट खाता था। तो इसका ए ऑप्शन आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू ही स्कूल? की दादी माँ जो है राइटर हैं उनके साथ उनके स्कूल तक क्यों जाती थी? तो इसका ऑप्शन आएगा सी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू स्कूल। क्योंकि जो टेम्पल था वो स्कूल के साथ ही अटैच था, तो दादी को टेम्पल में जाना होता था, इसीलिए वो ऑथर के साथ जो है स्कूल जाते टाइम जाया करती थी। अब नाइन्थ वन देखिए, कि वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर? कि ऑथर के पेरेंट्स कहाँ थे? अब्रॉड सिटी, अदर विलेज, अदर स्टेट। कि वो विदेश में थे, शहर में थे, दूसरे गांव में थे, दूसरे स्टेट में थे। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा कि वो सिटी में थे। व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन डेली बेसिस? कि ग्रैंड मदर जो है वो डेली टेम्पल में क्या करती थी? तो वो जो है वहाँ पर बैठकर स्क्रिप्चर्स यानी जो धार्मिक किताबें हैं वो वहाँ पर पढ़ा करती थी। तो ये इसका ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर? कि ऐसा जो परिवर्तन वाला मोड है वो कौन सा आया जो ऑथर और उसकी दादी के बीच में जो रिलेशनशिप था उसमें? तो उसमें परिवर्तन कब आया? कि ऑप्शन बी, कि जब वो अपने पेरेंट्स के पास उसको बुला लिया गया उसकी दादी के साथ, यानी जब दादी और जो ऑथर दोनों हैं वो सिटी में चले गए उनके पेरेंट्स के पास रहने के लिए। वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द स्कूल? कि ऑथर जो है स्टडी के लिए शहर में कहाँ जाया करता था? तो वो एक इंग्लिश स्कूल यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बस में जाया करता था। तो इसका ये ऑप्शन रहेगा। अब देखिए 13, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू स्कूल? कि ऑथर का जो नया स्कूल था उसके बारे में क्या चीज़ ऐसी थी जिससे दादी जो है उदास हो गई? तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि उनका जो नया स्कूल था वो इंग्लिश मीडियम था और दादी जो है वो इंग्लिश नहीं जानती थी, तो इसलिए वो ऑथर की पढ़ाई में अब ज़्यादा मदद नहीं कर सकती थी। 14 देखिए, कि वाई डिड नॉट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूज़िक? कि ग्रैंड मदर को म्यूज़िक क्यों पसंद नहीं था? कि जैसे आपने स्टोरी में पढ़ा होगा कि ऑथर एक दिन आकर बताता है कि अब उनके जो है म्यूज़िक के पीरियड्स भी लगेंगे, तो दादी नाराज़ होती है। तो वो क्यों उसको पसंद नहीं होता? तो
उनके हिसाब से क्या है कि ये जो काम है वो मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स एकाधिकार है, किसका? हेरलॉट्स एंड बैगर्स, यानी जो प्रोस्टिट्यूट और जो भिखारी हैं, ये उन्हीं के लिए बना है। ये जेंटल फ्लॉक यानी भद्दर पुरुषों, जेंटल लोगों के लिए, इज्जतदार लोगों के लिए ये काम नहीं बना है। तो इसीलिए दादी को, जो ऑथर को म्यूजिक लेसन स्कूल में देने शुरू हुए, तो वो बात पसंद नहीं आई। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी, कि दादी जो है, जो आपकी सिटी है उसमें अपना अधिकतर जो समय वो कैसे बिताती थी। तो अब दादी जो है क्या करती थी, जो स्क्रिप्चर्स हैं, धार्मिक किताबें हैं, वो पढ़ने में अधिकतर अपना समय बिताती थी। नेक्स्ट है कि जो ग्रैंड मदर है वो अपनी आफ्टरनून कैसे स्पेंड करती थी हर रोज़। तो वो क्या करती थी कि वो बाई फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज़, कि वो सैकड़ों जो स्पैरोज़ थी उनको फीड करती थी, उनको जो है ब्रेड के पीसेस डेली खिलाती थी दोपहर में। अब 17 देखिए कि व्हाट हैपन्ड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 ईयर्स, कि क्या हुआ जब ऑथर जो है पढ़ने के लिए विदेश चला गया 5 साल के लिए। तो जो ग्रैंड मदर है, उन्होंने जब सी ऑफ करने गए तो कोई खास रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उसको गुड बाय बोला और उसके फॉरहेड पे किस किया, तो यानी ऑप्शन ए। अब 18 देखिए कि व्हाट चेंज केम इनटू ग्रैंड मदर इन द इवनिंग शेड्यूल, कि जो दादी हैं उनके इवनिंग के शेड्यूल में क्या चेंज आया। तो ये कब की बात है कि जब ऑथर जो है अब्रॉड से वापस आ गया, तो उस दिन जो दादी हैं उनके शेड्यूल में चेंज ये आया कि उन्होंने मोहल्ले की सारी औरतों को इकट्ठा कर लिया और एक पुराना ड्रम निकाल कर, और वो उन्होंने काफ़ी सारे जो हैं सॉन्ग्स और भजन वगैरह घंटों तक गाए। तो इसमें ऑप्शन आपका ए आएगा। अब देखिए 19 और 20, व्हाट हैपन्ड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडन्ट प्रे फॉर फर्स्ट टाइम, कि क्या हुआ जब दादी ने पहली बार ऐसा हुआ कि प्रार्थना नहीं की गाना बजाने के बाद, जो उन्होंने गाना बजाने का काम किया था मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करके। तो इसमें ऑप्शन ये आएगा कि अगले दिन जो है वो बीमार हो गई, उनको अगले दिन बुखार हो गया। 28 देखिए, हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस, कि ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने अपनी इलनेस पे क्या रिएक्ट किया, कैसे रिएक्ट किया। तो उन्होंने क्या बोला सबको कि अब उनका एंड जो है वो नियर है, यानी ऑप्शन ए। 21 देखिए कि व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स, कि ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने अपने अंतिम समय में क्या किया। तो भाई वो दूसरों से बात करती रही, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। वो दूसरों के लिए परेशान थी, नहीं। वेंट टू टेम्पल, वो टेम्पल गई, नहीं। इसमें आएगा आपका ऑप्शन सी कि वो साइलेंटली जो है चुपचाप प्रेइंग करती रही और टेलिंग हर बीड्स, और अपनी जो माला थी उसको जपती रही, माला के जो मनके हैं उनको घुमाती रही। हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई, कि ग्रैंड मदर जो है उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई। तो उनकी मृत्यु क्या है कि वो आराम से बेड पर लेटी हुई थी और लेटे लेटे वो जो मनके हैं उनको घुमा रही थी और प्रेयर कर रही थी, तो इसी तरह उनकी मृत्यु हुई। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो आएगा। हाँ जी, 23 देखिए, हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर, कि जो स्पैरोज हैं उन्होंने अपना सोरो यानी दुख कैसे व्यक्त किया। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा बी कि वो आई और साइलेंटली जो है वो बरामदा में बैठी रही, और जब जो ऑथर की मदर है जब उसने उनको ब्रेड्स डाली तो उन्होंने उन ब्रेड्स को भी नहीं खाया। और नेक्स्ट वन देखिए, व्हाट हैपन्ड व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर कॉर्प्स अवे, कि क्या हुआ जब वो ग्रैंड मदर की जो डेड बॉडी है उसको अंतिम संस्कार के लिए लिए गए। कहने का भाव कि जो स्पैरोज थी उन्होंने क्या रिएक्ट किया। तो जो स्पैरोज हैं वो चुपचाप उड़ गए, यानी द बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड यू फील अबाउट द करेक्टर ऑफ ग्रैंड मदर, कि आपको ग्रैंड मदर का करेक्टर कैसा लगता है। तो इसमें ग्रैंड मदर का जो करेक्टर है वो, वैसे तो ये सारी चीज़ें हैं ग्रैंड मदर में, बट वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी थी। कि जब ऑथर जा रहा था, या ऑथर जो है अलग रूम में रहने लग गया, या ऑथर के स्कूल की कई सारी बातें जो है ग्रैंड मदर को पसंद नहीं थी, तो उन्होंने जो है ओवर रिएक्ट बिल्कुल नहीं किया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग वूमेन का ही काम होता है। और 26 देखिए कि वेयर वाज द ऑथर ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ड, कि ऑथर जो है उनके ग्रैंडफादर जो थे उनकी पोर्ट्रेट जो है वो कहाँ थी। तो जैसे आपने ये शुरू वाले पैराग्राफ में स्टोरी में पढ़ा होगा कि जो उनका ड्राइंग रूम था उसमें मेंटल पीस के ऊपर वो जो है पोर्ट्रेट लगी हुई थी, यानी ऑप्शन बी जो है आपका वो इसमें सही आंसर है। डिड द ऑथर बॉदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर्स दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइट,
कि जो ऑथर था क्या उसको इस बात की कोई चिंता या फिक्र थी, या कोई वो कोशिश करता था उन प्रेयर्स को लर्न करने की जो उसकी ग्रैंड मदर जो है वो मॉर्निंग में रिसाइट करती थी। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, ही लिसन बट ही डिड नॉट बॉदर टू लर्न, कि हाँ उसको सुनना पसंद था जो ग्रैंड मदर की प्रेयर्स हैं तो वो सुनता था, पर उनको याद करने का जो है वो जहमत वो नहीं उठाता था, उस चीज़ की टेंशन नहीं लेता था, और वो सुनता इसलिए था क्योंकि उसको दादी माँ की जो वॉइस थी वो पसंद थी। वेन वॉज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड, कि उनका कॉमन लिंक जो था फ्रेंडशिप का, यानी एक जो आप कहें कि जो ब्रिज था उनकी फ्रेंडशिप के बीच में कॉमन, वो कब छीना गया, कब उसको स्नैप कर दिया गया। तो वो कब किया गया कि जब ऑथर जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग गया तो घर में जो है उन दोनों का जो रूम है अब वो अलग अलग कर दिया। उससे पहले क्या है, दादी और जो ऑथर हैं वो सेम रूम ही शेयर करते थे। अब लास्ट दो देखिए, कि व्हाट वाज ग्रैंड मदर रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड, कि जब ऑथर जो है विदेश जा रहा था तो दादी का रिएक्शन कैसा था। तो हैप्पी था, सैड था, नॉट इवन सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल तो हैप्पी भी नहीं थी, वो ये भी शो नहीं कर रही थी कि वो उदास है, और सेंटिमेंटल भी नहीं थी, तो नॉट इवन सेंटिमेंटल कि वो जरा सी भी इमोशनल नहीं शो हो रही थी उस टाइम। और 30th देखिए, कि वट वॉज हर रिएक्शन वैन ही केम बैक आफ्टर 5 ईयर्स, कि दादी का रिएक्शन कैसा था जब ऑथर जो है वो 5 साल बाद पढ़ के विदेश से वापस आया। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा कि शी क्लैप्स द ऑथर इन हर आर्म्स एंड सैड प्रेयर्स, कि जब वो अब वापस आए तो जो दादी है उसने उसको कस के गले लगाया, पर जब वो गले लगाया रही थी दादी तो उस टाइम भी ऑथर ने नोटिस किया कि दादी अपनी प्रेयर भी साथ साथ बोल रही है, यानी वो उस समय भी अपना प्रेयर रिसाइट करना उन्होंने नहीं छोड़ा था। तो दोस्तों ये तो थे कुछ मेन क्वेश्चंस जो आपके टर्म वन में या बीच में जो भी यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे उसमें आने की पूरी संभावना है। तो होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा और जो इसमें बताया गया है वो समझ आया होगा। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको जो +1 का इंग्लिश का टेलीग्राम का ग्रुप है तो उसका लिंक भी डाल रहा हूँ, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और उस ग्रुप में आपको जो भी इंग्लिश का मटेरियल है, जो PDFs वगैरह हैं आपके जैसे MCQs के और जो आपके 11th क्लास के इंग्लिश रिलेटेड जो भी नोट्स वगैरह हैं, तो वो आपको उस ग्रुप में टाइम टू टाइम शेयर की जाएंगी, तो आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।